दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारी चैनल रेटूरी अपडेट में। इस वीडियो में बिहार में निकलने वाली एक नई वैकेंसी के बारे में अपडेट प्रोवाइड कराने वाला हूं। और ये जो वैकेंसी है बिहार के अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में निकाली गई है। इसमें पोस्ट की बात करें तो बहुत सारा पोस्ट है, वेरियस पोस्ट पर यह वैकेंसी है। बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर का भी पोस्ट है इसमें और जो वर्किंग ऑफिसर है उनका भी पोस्ट है। लेकिन हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं फ्रेश एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कनीय अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर, आंसू लिपिक और साथ में लिपिक का भी पोस्ट है इसमें, और नगर निवेशक की ये वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट प्रोवाइड कराएंगे। टोटल पोस्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 500 यहाँ पे पद आपको देखने को मिलेंगी तो तीनों पोस्ट से रिगार्डिंग। ओके, और 19 दिसंबर से आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका जो है 8 जनवरी 2020 है, यानी कुल मिलाकर बोले तो ये 2020 के लिए वैकेंसी को निकाली गई है। और इससे बोला गया है कि मार्च 2020 तक इसे जो है फाइनलाइज कर लिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं योग्यता जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे इंटर है कुछ के लिए, कुछ के लिए डिप्लोमा है, कुछ के लिए स्नातकोत्तर है। लेकिन स्नातकोत्तर में भी लिमिटेशन है कि किस फील्ड में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। तो इन सब के बारे में अपडेट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन और जो प्रेस विज्ञप्ति होता है, प्रेस एडवर्टीजमेंट जो होता है, वो जारी कर दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं हम है नगर विकास एवं आवास विभाग यानी अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और आपको बता दूं कि इसकी रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे जो नगर विकास एवं आवास विभाग के जो सेक्रेटरी हैं वो आनंद किशोर हैं, और इनके रिगार्डिंग एक अपडेट भी मैं आपको प्रोवाइड कराया था कि जो वैकेंसी निकलने वाली है वो जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वो वीडियो नहीं देखें तो देख सकते हैं, लेकिन उसका भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में केवल इन तीनों वैकेंसी के रिगार्डिंग ही आपको बताएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अगर आप बोलिएगा तो उस पर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पर रिटायर्ड ऑफिसर का ये पोस्ट है, देख सकते हैं सचिवालय सहायक का ये पोस्ट है। और साथ में यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे वर्किंग एसोसिएट नगर निवेशक का पोस्ट है, साथ में साथ यहाँ पे सेवानिवृत्त का भी यहाँ पे पोस्ट है रिटायर्ड का। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे तीन के बारे में ही आपको अपडेट प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जूनियर इंजीनियर के वैकेंसी के बारे में ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की टोटल 463 पोस्ट हैं। यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है। मैकेनिकल का यहाँ पे जो है 44 पोस्ट हैं, और साथ में सिविल इंजीनियर का सबसे ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे 347। और यहाँ पे देखिए विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल के जो है जूनियर इंजीनियर का 42 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट अपना देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि महिलाओं को यहाँ पे 35% का क्षेत्रीय आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है वैकेंसीज के लिए। ठीक है, टोटल पोस्ट यहाँ पे अगर काउंट कीजिएगा 377 प्लस 44 प्लस 42 तो 463 पोस्ट यहाँ पे होगा। ओके, यहाँ पे देखिए सबसे आगे बात करें यहाँ पे आरक्षण की, तो आरक्षण का जो आदर्श आरक्षण रोस्टर का नियम है बिहार का, उसे यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। आपका वेतन जो होगा 27,000 रुपया प्रति माह होगा। ये आपका कंट्रेक्चुअल बेसिस जॉब होने वाला है, यानी संविदा के आधार पर ये नियुक्ति होने वाला है, और ये परमानेंट भी हो सकता है, और साल साल भर करके बहुत दिनों तक जॉब चलते रहता है। तो आपको पहले जॉब लेने की सोचना है, यहाँ पे आगे जो होगा सो देखा जाएगा। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे देख सकते हैं, बताया गया है आपको कि संबंधित जो भी ट्रेड है उसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में बताया गया है कि UGC एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित डीमेड यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड में असैनिक या फिर जो भी संबंधित कोर्स है, जो डिप्लोमा है, में डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो। ये कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया है आपको शैक्षणिक योग्यता और अर्हता से रिगार्डिंग, यानी कुल मिलाकर बात करें तो आप संबंधित ट्रेड में अगर डिप्लोमा किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एज क्राइटेरिया यानी उम्र सीमा की बात कर लेते हैं, तो एज जो काउंट होगा आपको 1 जनवरी 2020 से काउंट होगा। आप 1 जनवरी 2020 को न्यूनतम 18 वर्ष हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, जैसे कि जनरल कैटेगरी की पुरुष के लिए 37 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष है, नरक्षित महिला यानी जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष यहाँ पे दिया गया है अधिकतम उम्र, मिनिमम 18 वर्ष है। तो आप आवेदन कर सकते हैं, अधिकतम मैंने आपको बता दिया। नियोजन की अवधि यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपको 1 साल तक के लिए रखा जाएगा, और यहाँ पे आपका कार्य संतोषजनक रहता है तो 1-1 साल करके आपको बढ़ा दिया जाता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, एक जॉब लगभग परमानेंट के बराबर ही होता है। आगे देखिए बताया गया है कि विभागीय पोर्टल पर 19 दिसंबर से आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो भी वैकेंसी इसमें मैं बात करने वाला हूँ 19 दिसंबर से ही आपको ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यही वेबसाइट है, यहीं पे लिंक आपका एक्टिव किया जाएगा, और जब लिंक एक्टिव होगा तो मैं आप सभी को अपडेट प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों को, ताकि सबको पता चल सके। और इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी इस पर जरूर से बनाऊंगा। और यहाँ पे बताया गया कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है,
और जब इस वैकेंसी से रिगार्डिंग ऑनलाइन लिंक एक्टिव किया जाएगा तो उस समय भी मैं आप सभी को अपडेट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले वैकेंसी की। अगला वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया गया है कि सहायक नगर निवेशक के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होती है, वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे टोटल पोस्ट 22 है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। बात करें आपको तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से टाउन प्लानिंग, रीजनल अर्बन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, कंट्री प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, हाउसिंग या फिर इन्वायरमेंटल प्लानिंग में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष की योग्यता आपको होनी चाहिए। तो इन सब जो मैंने आपको फील्ड बताया है, इसमें अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने किया है। यहाँ पे उम्र सीमा की बात करें यानी एज क्राइटेरिया की, तो 1 जनवरी 2020 को ही एज काउंट होगा। न्यूनतम आपका 21 वर्ष एज होनी चाहिए। अधिकतम आयु मैंने आपको बताया है, जो सामान्य प्रशासन विभाग का बिहार का तय किया गया है वही है जो मैंने पिछले वैकेंसी में आपको दिखाया है, सेम वही है। और नियोजन की अवधि की बात करें तो सबसे पहले आपको 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा, और इसमें ये भी चांसेस है कि आपको परमानेंट भी इसमें कर दिया जाए। परमानेंट नहीं भी होते हैं तो आपको 1-1 वर्ष करके यहाँ पे आपके संविदा अवधि को बढ़ा दिया जाएगा, यहाँ पे ये लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आप ऑनलाइन आवेदन जो है 19 दिसंबर से 8 जनवरी तक कर सकते हैं, और विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हैं। वैसे जब लिंक एक्टिव होगा तो मैं आप सभी को अपडेट प्रोवाइड करा दूंगा इसके रिगार्डिंग, और डिटेल में जो एडवर्टीजमेंट होता है वो भी जारी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बात कर लेते हैं, अगला जो पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, इसका विज्ञप्ति संख्या है 6586/2019, ये विज्ञप्ति संख्या है। और यहाँ पे आपको आशुलिपिक और निम्न वर्गीय लिपिक यानी यहाँ पे स्टेनोग्राफर और साथ ही साथ यहाँ पे क्लर्क का भी, जूनियर क्लर्क का भी पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। आशुलिपिक की बात करें तो 5 पोस्ट है और निम्न वर्गीय लिपिक की 4 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सभी डिटेल प्रोवाइड कराया गया है कि किस वैकेंसी के लिए कितना सीटें यहाँ पे कैटेगरी वाइज है। कुछ ही कैटेगरी का यहाँ पे सीटें हैं, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए कोई भी सीटें यहाँ पे नहीं है। निम्न वर्गीय लिपिक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित में 1-1 पोस्ट है महिला और पुरुष के लिए, और यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई भी सीटें नहीं है। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी कोई सीट यहाँ पे नहीं है। और आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि आशुलिपिक के लिए जो योग्यता है आपको इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, और साथ ही साथ बताया गया है कि हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट आपको जो है टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, एवं कंप्यूटर दक्षता भी आपको होना चाहिए। ठीक है, इसकी सैलरी की बात करें तो 26,000 रुपया पर मंथ आपको सैलरी इसमें दिया जाएगा आशुलिपिक के पोस्ट के लिए। और आगे बात करें निम्न वर्गीय लिपिक के लिए तो कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, टोटल पोस्ट 3 है, और इसमें भी बोल रहे हैं आपको कि विश्वविद्यालय बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट का डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकर का ज्ञान आपको होना चाहिए। 20,000 प्रति माह इसमें सैलरी आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ है, आपको मिनिमम 18 वर्ष चाहिए। यहाँ पे 35 वर्ष आरक्षण इसमें भी महिलाओं को दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरी है उसके रिगार्डिंग अलग अलग अपर एज लिमिट तय किया गया है। ओके, विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे बताया गया कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जब भी लिंक एक्टिव किया जाएगा मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, 3 वैकेंसी से रिगार्डिंग आपको अपडेट प्रोवाइड कराना था। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप जरूर से अप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।